हुण असीं गल्लबात करदे हां बाबा हरी सिंह जी रंधावे वालियां दे नाल ते उहनां दे कोलों इतिहास जाणदे हां कि गंगू दे घर तों कदवाली तक दा छोटे साहिबजादे ते मां गुजरी दा सफ़र किदां दा रहा ते कतवाली जेल दे विच किन्ना टाइम रुकदे आ ते किहड़ियां किहड़ियां मुश्किलां दा ओह सामना करदे ने। बाबा जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बाबा जी पहलो ते आप जी दा बहुत बहुत धन्यवाद, आप जी ने सिख चैनल नूं टाइम दित्ता अपना कीमती टाइम, क्योंकि जोड़ मेलिया का टाइम आ, आप जी का भी शड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट आ, आप जी का एक बार फिर सिख चैनल का असं धन्यवाद करते हैं। बाबा जी जिदा कि गंगू के घर तक असी जो पहला एपीसोड से असी तैयार कर लिया, हूँ असी गंगू के घर तो माता जी छोटे साहबजादे कि रस्से पेंडा करते हुए कोतवाली जेल में पहुँचे है जिते इस टाइम असं मौजूद है, आप जी वह इतिहास जरा संगत इतिहास तो सुनाने तो पहला मैं पहला एक बार सिख चैनल का धन्यवाद भी करना कि जैसे सिख मुद्दों जो प्रचारण के लिए एक अज के साधन जोड़ा युग है इस युग के हानि प्रबंधन के नाल घर घर आवाज़ पहुँचाई है तो ये इतिहास तो सब तो मैं कहना कीमती है। सिख इतिहास के नहाण का तो इतिहास कोई है ही नहीं, कुरबानी है ही नहीं कोई बड़ी, साहबजादा नाँ लेंदे शीश झुकदा तो मन बराग में आना सही गल तो उन्होंने जिहड़ियां कहर दियां रातां ने उन्हां रातां दे विचों जे आपां इह कहीए चाहे गंगू दे घर प्रशादा पाणी छकिया, इशनान पानी कीता ते लंगर पाणी भी छकिया, आपां इस गल तों भी इतिहास जाणीए भी, पर फिर भी इह रातां किस्म किस्म दियां सी भी जिस माता नूं इह महसूस हो रहा सी मेरियां दोनों नूहां दा कोई पता नहीं किथे, मेरे बड़े पोतरियां दा कोई पता नहीं किथे, मेरा इकलौता बेटा श्री गुरु गोबिंद सिंह जी बिल्कुल कोई पता नहीं कितने है, ये निके निके बच्चे जड़े ने मैं किस तरह कि हालों के और फिर भी वो जिमें योगी अल्लाह यार खां कहिंदा है लेकिन ये दो समर हैं मेरे नौ निहाल के, बेटे हैं दोनों सरवर फौज अकाल के, रख कर उन्हें कलेजे में आंखों में डाल के बेटे की ईमान ते ले जाऊँ संभाल के, बेटे का माल है ये बहू की कमाई है मेरे लाख लेकिन फिर भी ये दौलत पराई है, ये मेरे पुत्र दे पुत्र नगे पर मेरी मैं उहदी है, माता दे ये अरमान भी इहनू किस तरीके दे नाल मैं सही सलामत किते पुत दा पता लग जाए, मैं जाके कहां बेटा मेरी बिरध अवस्था हो गई, मेरा तो अपना आप नहीं संभाल हुंदा, मैं हुण तेरे पुत्रां नूं कित्थे संभालां, ऐ रातां मैं संभाल के लै आई हां, हुण पुत तूं अपने बच्चिआं नूं आप संभाल, पर ये अरमान सारे रह गए। गंगू ने बेईमानी कीती, मरंडी दे रंगड़ां नूं लिया के गिरफ़्तार करा दिता, माता जी ने उसनों ये शब्द कहे भी जिहड़ी माया वास्ते तू ये कारा कीता है ये माया तेरी जां तेरे परिवार के काम नहीं आउंदी, वो बचन सच्चा होया। जदों माता नूं पुछया गया ये बच्चे गुरु गोबिंद सिंह दे नूं, उन्हें कहा हाँ ये मेरे पोतरे मेरे बेटे की औलाद है ये, पर इन्हां दा कसूर की है, तुसीं इहदे नाल जे कोई गल है तुसीं, वो कहते माता भी इन्हों असं गिरफ़्तार करके लाए हैं तो होर धन दसो कितने है, वो कहती बच्चे है हाजिर धन इन पुछो धन तो ये को धन भी गया तो जान भी गई वो बेईमान की, उतों साहबजाद गिरफ़्तार कर लिया गया। परंपरा के अनुसार पिंड के रजे पुजे जिमीदार ने बेनती की कि मैं रात के चढ़ा के उन्होंने छड़िया ना, तो उन्होंने माता जी आसीसा निकलिया, अगले समय के ब्रह्म ज्ञानी महापुरश उन्होंने इस खानदान पैदा हुए कुल उतारन वाले संत बाबा जी सिंह, तो इतों फिर रथ के जिथे बिठाए से वह नाम है रथ साहिब गुरुद्वारा बारे पास बिल्कुल जी, जिते गंगू का घर से उत्थे अंदर गुरुद्वारा बिल्कुल जी सारे उतों बाद कतवाली इस जगह चल पे लगभग किन्ना क पेंडा अटैक किया। देखो तकरीबन उतों आप समझ लीए भी जे किलोमीटर के हिसाब से लगभग 6 किलोमीटर होगा बाद तो बाद बल्कि दो घट ही लगता बिल्कुल, तो उस थान पर लिया के उन्होंने कतवाली से कतवाली दे ते इस कतवाली दे जिहड़े वो सरीए भी बोल के दस रहे हैं भी किन्ने प्रबंध लठ वर्गा सरीए जिंदरे ला दते गए, दिन सारा लंघिया। बाबा जी जी कतवाली की सी गल करते जिथे असीं खलोते हां हाँ जी जेल सी उस समय की बनाई हुई जेल सी वेले दी छोटे हाकमां दे कोल थोड़े थोड़ियां जेलां मतलब कतवाली जी है जिहदे विच कोतवाल रहिंदा हुंदा कतवाली उहनूं कहिंदे आ सी, ये छोटे छोटे प्रबंध करन वास्ते जिन्हों थाना कह लिए हूँ बिल्कुल जी इस हिसाब सिर से
तो वो लिया के वह जिम्मे मुजरम बंद करी दे। हम सारी रात माता जी बाणी पढ़ते रहे, साहबजादे ने कुछ आराम किया तो कुछ उन्होंने अपना सिमरन दे भी समा बतीत किया। तो वो जगह का ऐसा प्रताप प्रिंस जी भी बाकी की सारी कतबाली ढह गई भी ये कमरा क्यों नहीं ढहा। बिल्कुल अज भी मौजूद संगत देख रही है, संगत देख रही है भी यदा कारण की है भी उत्थे वो जगह च भी शक्ति हो गई जिते जप तप किया तो वह जगह आराम किया। जिमें गुरु गोबिंद सिंह ने जो जंड के हेठा आराम किया तो जंड अज भी उस तरह मौजूद इतिहास दस रहा है। झाड़ साहब का इतिहास ये क्यों भी वह जगह च भी शक्ति हो जाती है। इतों फिर कोतवाली के अंदर जिमें समा माता जी ने विराग के अंदर साहबजाद ने बड़िया दियाँ साखियां सुनाते हैं बच्चों तैयार करते हैं पत हालातों को तो माता जी जाणू सी ये मेरे पोतरियां की खैर आप ग्रह्म ज्ञानी सी। बिल्कुल ब्रह्म ज्ञानी सी पता रहा भी सब कुछ। वो फिर अपने पोतरियां एक दूजे को विफता दे जिहड़े धीर जवान परिवार होंदे आ वो एक दूजे को धीरज इस करके देंदे भी मैं तो ठीक हाँ कि तेरे यदा मन ना रोले, वो कहिंदा मैं ठीक हाँ यदा मन ना रोले, ये कुछ हुंदा आ। पर गुरु गोबिंद सिंह साहब का जिहड़ा खून सी वो निडर सी टोलन वाला भी नहीं सी, पर फिर भी माता जी ने अपना फर्ज समझदिया होया बच्चों भी बचो कि हुण समय के हालात यह जन भी समय के नाल आपां हुण धर्म के लिए जूझना पऊगा। तुहाडे पिता जी ने तो दूसरे 14 जंग लड़े ने भी ये भी एक लड़ाई है जिहड़ी शब्दों की लड़न वास्ते तुसीं तैयार हो जाओ, अपनियां जवान दियां कमाणां ते तीर कस लो शब्दों के, अगे चल के मौका ऐसा आना है जिहदे शब्दों का जंग तुहानूं लड़ना पैना है। माता जी उत्थों ये तैयार करके कोतवाली दे विचों फिर अगले दिन जिहड़ा बाबा जी किन्ने कु बजे सवेर दा किन्ना कु बजे दा टाइम सी जदों चला पाया जी पूरा फिक्स टाइम तो आपां कह नहीं सकते क्योंकि इतिहास दे विच बस इन्ना क्या भी दिन चढ़े तो समझ लो जिदा अज दे मुताबिक ही ला लो भी 9-10 बजे उत्थों मतलब सवेरे सवेरे ही सवेर दे टाइम सूबे दा हुक्म होया भी इन्हां नूं सुरक्षित पैरियां दे विच लैके आओ। उत्थों फिर चाले मार दित्ते फतेहगढ़ साहिब नूं। ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ? ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੱਡਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਮਰੰਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਕੋਤਵਾਲੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਇਹਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ 'ਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਵੇਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਈ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਿਖ ਸਕਿਆ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਉਹ ਮੂੰਹ ਬੋਲਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਵੀ ਗਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤੀ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਗੱਲ। ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਬਚ ਗਈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰੋ, ਆਪ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸੱਚਖੰਡ ਪਧਾਰ ਗਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਪਰ ਇਹ ਕੋਤਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਛੇੜ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਏਰੀਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਸਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦੇਖੀ ਉਹ ਨਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਵਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਤਨਤਾ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਆ, ਪ੍ਰਾਤਨਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਤਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ
भी कार सेवा ने भी ये गल मान ली तो लोगों ने जिन्होंने दृढ़ता कहा भी ऐसा नहीं होन नहीं देना उन्होंने श्रद्धा देखो भी जिन्होंने एडी दृढ़ता कहा भी इस तरह कायम रहूगी वो गुरद्वारा तुम बना सकते हो लेकिन इस तरह बबा जी कतवाली जेल तो बाद हूँ असी अगला साडा पड़ा केड़ा जी अगले फिर हूँ पड़ा है भी एक इतिहास के तत्थों तो एक गल रही हुई है जिन्होंने कहते चिट्टी मसीत गुरद्वारा बिल्कुल जी ये आप उत्थे चल के जिक्र करिए हूँ इतने वह चिट्टी मसीत गुरुद्वारे का बहुत जिक्र ना करिए उत्थे चल के आप उत्थे दा इतिहास मैं थोड़ा बिल्कुल हम असी कतवाली जेल तो बाद हम जिदा बाबा चिट्टी मसीत के जिक्र करते पे असी उतों की भी जगह संगतान उतों की भी जगह असं दिखा रहे हैं चले मौत वे आउण नू तू शगन मना दे चले मौत वे आउण नू तू शगन मना दे सिर ते कंपन बन ले हुण कलगियां ला दे वैरी ने है आंदरां दा सेहरा लाउणा वैरी ने आंदरां दा सेहरा लाउणा असी हुण आ पहुंचे हां गुरुद्वारा चिट्टी मसीत विखे जो कि फतेहगढ़ साहब तो कुछ ही दूरी ते ये जगह हैगी स्थित हैगी आ ना उड़ीकी ना उड़ीकी दादीए असी मुड़ नहीं आउणा असी बाबा जी को इस जगह का पहले तो एड्रैस पुछते हैं बाबा जी इस जी जगह फतेहगढ़ साहब जी लागे आए हैं यदा कोई पिंड पैंदा कि उस बारे संगत दसो ये महदिया पिंड है जी नाले ठीक है जी महदिया पिंड की जगह हैगी है तो नाल ही फतेहगढ़ साहब एक दूर तो है नहीं है फतेहगढ़ साहब की जगह बिल्कुल फतेहगढ़ साहब बिल्कुल बैक साइड मतलब महदिया पिंड और फतेहगढ़ साहब के सेंटर जिस खड़े हैं आप इतने ये तो है जगह का ही बाकी बाबा जी इस थान के इतिहास क्योंकि बहुत घट जिक्र आता इस जगह का दसवीं पहली बारी सच्चे पातशाह की कृपा ना दर्शन करने का मौका मिले इस जगह का सानू भी नहीं जे मैं ये कह ला भी इतिहास का जिक्र आता ही नहीं कदे ना ये भी कोई मतलब गल वो नहीं होगी अच्छा मेरे लिए भी ये बड़ी हैरानी की गल है भी मैं समझ लो इतों 8-10 किलोमीटर तो पिंड है बिल्कुल जी तो फतेहगढ़ साहब तक ही सीमित रहे जिदे जमे पले उ आना मुड़ जाना पता ही नहीं मैनू भी वो मैंने एक सज्जन भाई सोहन सिंह है जोड़ा बड़ी देर का अपने जथे का उन्हें दस भी तुम कद ये जगह देखी है मैं क्या भी नहीं वह कहता जी ये जगह तो वह है जिते साहबजाद फतवा दिता से मैं क्या सुन सिया भी मैं तो ये गल पहली बार सुन रहा बिल्कुल जी मैं इतने आया उदो ये भाई जीत सिंह जी जे हम इतने सेवा कर रहे हैं इन्हों पिता जी सन अच्छा जी चलो मैं वाई फेस बहुते लोगों इन्ना नहीं जानता ज मैं स्टेजन देखने करके अगले जानते उन्होंने आया तो मैं उन्होंने कहा भी इस तरह दस सजना भी कि किमें इतिहास का चलो जिन्ना को उन्होंने दस्या बेचारे दस सकते फिर ये बारे विशेष करके जानकारी प्राप्त की थी। एक इंग्लिश के प्रोफेसर तेजा सिंह जी होंगे सी हाँ जी अजक कैलीफोर्निया उन्होंने एक बार जिक्र किया भी भाई साहब जी भी मैं बचपन के एक सुरंग देखी है भी सुरंग होंगी सी अज भी धरती दे मौजूद है भी जे तुसी किसी तरह की वो कोई लभ जाए जागी है भी मैं अपनी अखी देखी है तो मैंने कहा भाई साहब जी पुरानी चीज़ा लभनिया है तो बड़िया औखियाँ भी मैं बचपन के चमकौर साहब जी कच्ची गढ़ी सी उहदियां पौड़ियां घूम के चढ़दियां सी मेरा बिल्कुल बचपन ही मैनू अज भी पौड़ियां उस तरह याद आउंदियां ना भी एक बंदा मूहरे जांदा घूम के पता नहीं सी लगदा भी वह उस तरह इमारत खड़ी होंगी तो वह कोई गल बखरी है सी ते चलो वो सुरंगाली दिमाग दे सी जो सुन सी उन्होंने दस्या मैं फिर इतने आया इतने आके जो मैं देखी तो वह सामने सुरंग जी बिल्कुल बिल्कुल सामने आया और अजे वह एक हिस्सा बचा होया आने वाले कल दे हो सकता भी वह भी ना रहे इतों जी सुरंग सी वह सीधी जा के धरती के बिच ही बिच ही वो ठंडे बुरज के जाके जिस तरह की इतने गल यह सुनी गई इतिहास भावें नहीं आती गल पर सुरंग दस रही है भी हाँ ठीक है तो वह सुरंग उतों
ठंडे बुरज के विचों ही एक सुरंग जाके उहदे कचहरी 'च खुलदी सी। जिथे तक फतवा देने की जिहड़ी गल है तो वो सामने तुसीं थड़े देखन दो थड़े मौजूद हैं, संगतां भी इस टाइम बिल्कुल देख रही देख रही हैं, आपां खड़े ही उत्थे हैं भी जिहड़ा काजी साहब का थड़ा बड़े का काजी का थड़ा सी वह बड़ा है, जिहड़ा छोटा काजी छोटा, दो काजी उत्थे बैठदे सी। उन्हां काजियां ने परंपरा अनुसार यह है भी इत्थे फतवा दिता सी, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਫਤਵਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਰਮ ਦਾ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਕਦੋਂ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇਹ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤਲਿਤ ਸਿਰ ਧਰਕੇ ਜਿੰਦ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ, ਓਏ ਸੂਬਿਆ ਓਏ ਵੈਰੀਆ ਇਨ ਮੰਨਣੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਅਸੀਂ ਡਰ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤਲਿਤ ਸਿਰ ਧਰਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਬਸਤੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਪਿਛਲੇ 50-60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਵੀਰ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਰੀਫਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਰਾਮ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਹਾਰਾਜਾ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜੀ ਛਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਲੈ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਛਾਉਣੀ ਬਣਾ ਲਈ।